अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आप दाल चावल की रेसिपी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे, एक नॉर्मल साइज की प्याज ऐड करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई हरी मिर्ची 1 टेबलस्पून, हाफ कप टमाटर, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी, नमक 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, अदवार मिर्च हाफ टी स्पून। 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। जरा सा पानी ऐड करके मसाले को अच्छी तरह भून लें। अब इसमें 1 पाव मूंग दाल ऐड करेंगे, जो कि 2 घंटा पहले भिगो कर रखी थी। अब इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में पकाना चाहते हैं तो 7 से 10 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये प्रेशर कुकर के अब गैर पक रही है, इसीलिए ऐसे 20 से 25 मिनट लगेंगे। अब इसमें हरा धनिया डाल के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। दाल रेडी है। अब हम चावल तैयार करते हैं, जिसके लिए ऑयल ऐड कर रहे हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल, हरी मिर्चे, अब इसमें जीरा ऐड करेंगे और तेजपत्ता। खुशबू आने तक मसालों को अच्छी तरह भून लें। अब इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड करेंगे, नमक 1 टेबलस्पून, 1 पाव चावल। मीडियम फ्लेम पर इसका पानी खुश करेंगे। जब इतना सा पानी रह जाए तो इसको फिर दम पर लगा दें। 5 मिनट के लिए दम पर लगाएं लो फ्लेम पर। चावल तैयार है। मजेदार से दाल चावल तैयार है। अगर आपको ये दाल चावल की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप ऐसी मज़ेदार रेसिपीज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।